हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम देखेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया में 15th नंबर क्वेश्चन से। और इसके पहले मैं आपको बोलूँगा, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले वीडियो कैसा लगा आपको। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फोरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को शेयर किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं 15th नंबर क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन है हमारा, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन रिसीव मेजोरिटी ऑफ इट्स रेनफॉल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग विंड सिस्टम। तो छोटा नागपुर जो प्लेट्यू रीजन है वो कौन से विंड सिस्टम से मेजोरिटी ऑफ द रेनफॉल प्राप्त करता है? देखते हैं, अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून, बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून, नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून विंड्स एंड नॉन ऑफ द एवम। तो देखा जाए तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो पहला ही करेक्ट होगा कि छोटे नागपुर का जो प्लेट्यू रीजन है वो प्राप्त करते हैं रेनफॉल को किससे, मेजोरिटी ऑफ द रेनफॉल प्राप्त करता है ये अरेबियन सी ब्रांच से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून से नहीं, अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून से। ध्यान रखेंगे, आप कन्फ्यूज हो सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस जो होता है कहीं ना कहीं बे ऑफ बंगाल से नज़दीक होगा, लेकिन प्राप्त करते हैं मेजोरिटी ऑफ द रेनफॉल अरेबियन सी ऑफ द ब्रांच है। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन रिसीव अ मेजोरिटी ऑफ इट्स रेनफॉल थ्रू अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स मूविंग अलोंग द नर्मदा एंड तापी रिवर वैली। आपको पता है नर्मदा और तापी जो रिवर है वो रिफ्ट वैली रिवर है जो फ्लो करती हैं किसके किसके बीच में, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में फ्लो करती है आपकी नर्मदा, और सतपुड़ा के साउथ में फ्लो करती है तापी रिवर। दिस विंड्स कॉज रेनफॉल इन द एक्सटेंसिव एरियाज ऑफ द सेंट्रल विंड्स। छोटा नागपुर प्लेट्यू गेट्स 15 सेंटीमीटर रेनफॉल फ्रॉम दिस ब्रांच, देयर आफ्टर दे इंटर द गंगा प्लेन्स एंड मिंगल विद द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। 16th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 16th नंबर क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द स्कैंटी रेनफॉल कॉज इन द गुजरात एंड राजस्थान रीजन इन द साउथ वेस्ट मानसून सीजन ऑफ द इंडिया। तो इनमें से कौन सा जो है वो प्राइमरी रीजन है जो कॉज करता है स्कैंटी रेनफॉल को गुजरात और राजस्थान वाले रीजन में? तो देखते, द मानसून विंड्स एग्जॉस्ट ऑल ऑफ देयर मॉइस्चर बिफोर रीचिंग दिस रीजन। सेकेंड है, द मॉइस्चर इन द मानसून विंड इज एग्जॉस्टेड ड्यू टू द हीट प्रेजेंट इन द रीजन। एंड सी है, द मॉइस्चर कैरी विंड्स जनरली ब्लो पैरेलल टू दिस रीजन एंड देयर इज नो ऑरोग्राफिक इफेक्ट। तो देखा जाए तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहां पर आपको देखने को मिलेगा और ये वाला आपका राजस्थान वाला रीजन है, यहां से आपकी साउथ वेस्ट जो ब्रांच होती है मॉनसून के अरेबियन सी का वो जाती है और ये वेस्टर्न घाट में रेनफॉल क्रिएट करती है। वेस्टर्न घाट में रेनफॉल इसलिए होता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, जो वेस्टर्न घाट है वो परपेंडिकुलर है टू द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून। लेकिन जैसे ही वो नॉर्थ साइड फ्लो करती है तो ये अरावली जो रेन्स है वो होता है पैरेलल टू द मॉनसूनल विंड्स, और पैरेलल होने की वजह से वो क्या होता है वहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं होता, और यही वजह है कि वहाँ पे स्कैंटी रेनफॉल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। गुजरात एंड राजस्थान रीजन इन द साउथ वेस्ट मानसून सीजन ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस करते हैं स्कैंटी रेनफॉल को। जो मानसूनल रेनफॉल है वो जनरली क्या करता है, गवर्न होता है किसके द्वारा, रिलीफ के द्वारा। रिलीफ जो फीचर होता है, रिलीफ मतलब हाइट अल्टीट्यूड फीचर जो होता है, टोपोग्राफिक फीचर होता है, उससे वो रेनफॉल को ये करते हैं। जैसे कि अगर वेस्टर्न घाट में हिल्स है, वेस्टर्न घाट में माउंटेनियस सिस्टम है, तो वहाँ पर वो एक उसको रिलीफ बैरियर प्राप्त करते हैं। बैरियर की वजह से जो वाटर है, मॉइस्चर लेडन जो वाटर है वो ऊपर जाता है और क्या करता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं एंड देन रेनफॉल करता है। और यही वजह है कि अगर आप ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट देखेंगे तो वहाँ पर वो रेन शैडो जोन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फॉलोइंग रीजन है स्कैंटी रेनफॉल को, फर्स्ट है द मॉइस्चर कैरिंग विंड्स जनरली ब्लो पैरेलल टू द दिस रीजन, जैसे अरावली के पैरेलल जाता है, इसलिए इस रीजन में आपको क्या नहीं देखने को मिलता है, रेनफॉल नहीं देखने को मिलता। सेकेंड है, देर इज नो ओरोग्राफिक इफेक्ट एज द मॉइस्चर लेडन विंड्स आर नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड बाई द माउंटेन और हिल्स। तो मॉइस्चर जो लेडन हिल्स होता है वो
ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लेता है किससे, हिल्स और माउंटेन से, और इसी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर रेनफॉल जो होता है वो नहीं होता हो और ग्राफिक इफेक्ट नहीं होता है। 17th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17th नंबर क्वेश्चन इज द मॉनसून विंड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग हाइएस्ट रेनफॉल इन द मासिनराम रीजन इंटर मेघालय फ्रॉम साउथ एंड साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फीचर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ द साउथ वेस्टर्ली विंड्स टूवर्ड्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में क्या कौन सा फिजिकल फीचर है जो साउथ वेस्टर्ली विंड्स को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है, जो कॉज करता है रेनफॉल को मासिनराम इन मेघालय। तो देखते हैं पहला, पहले आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ईस्टर्न घाट, अराकाम योवा एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट जो है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट, ये एक्सटेंडेड होता है अराकाम, ये एक्सटेंशन होता है किसका, अराकाम एक्सटेंडेड तक कहाँ तक होता है, म्यांमार के अराकाम योमा रेंज तक, ठीक है। अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स है वो आपको इसके साउथ में देखने को मिलेगा, ठीक है। ईस्टर्न घाट तो आपको पता है पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है जो ईस्टर्न पार्ट होता है, एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू भी सेंट्रल हाइलैंड्स का पार्ट है। तो ये तो नहीं होगा, सेंट्रल हाइलैंड्स नहीं होगा, ईस्टर्न घाट भी नहीं होगा, अंडमान निकोबार भी नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये अराकाम योमा रेंज जो है म्यांमार का वही डिफ्लेक्ट करता है विंड को साउथ वेस्टर्ली विंड्स को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रेनफॉल के लिए, हाईएस्ट रेनफॉल जो आपको पता है कहाँ पे होता है, मासिनराम रीजन ऑफ द मेघालय। अराकाम योमा रेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ साउथ वेस्टर्ली विंड्स टूवर्ड्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन, और रिस्पॉन्सिबल करता है किसके लिए, रेनफॉल के लिए। मेघालय आपको पता है रिसीव करता है हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, और यहाँ पे जो चेरापंजी और मासिनराम है वहाँ पे आपको कितना रेनफॉल मिलता है, 1080 सेंटीमीटर रेनफॉल ईयर में आपको प्राप्त हो जाता है, और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, खासी हिल्स में। आपको पता है तीन इंपॉर्टेंट हिल्स हैं कहाँ का, म्यांमार का, गारो खासी एंड जयंतिया, और गारो खासी जयंतिया में खासी जो है, खासी हिल्स में आपको देखने को मिलते हैं चेरापंजी और मासिनराम। 18th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18th नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया रिसीव हाई रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन। तो इनमें से कौन सा जो रीजन है वो हाईएस्ट रेनफॉल प्राप्त करते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन में। तो एक तो आपको पता है वेस्टर्न घाट वाला पार्ट, एंड सेकेंड आपको ईस्टर्न हिमालय वाला रीजन पता है, ईस्टर्न हिमालय यानी नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय वाला जो पार्ट है, मैंने देखा था मेघालय उसका पार्ट है, और मेघालय का चेरापंजी और मासिनराम है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे ए और बी दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालय रीजन जो होता है वो रिसीव करता है हाई रेनफॉल को ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन। मॉनसून एंड रेनफॉल जो होता है इज लार्जली गवर्न बाय रिलीफ और टोपोग्राफी। ये हमने देख लिया कि लार्जली किससे गवर्न होता है, रिलीफ और टोपोग्राफी से। फॉर इंस्टेंस विंडवर्ड साइड जो होता है वेस्टर्न घाट का वो रजिस्टर करता है किस चीज को, हाईएस्ट रेनफॉल। ये विंडवर्ड साइड जो है वेस्टर्न घाट का, यहाँ पे आपको हाईएस्ट रेनफॉल देखने को मिलता है अराउंड 250 सेंटीमीटर, जबकि ये है आपका रेन शैडो जोन, रेन शैडो जोन, और वो होता है लीवर साइड, ये होता है लीवर साइड, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्कैंटी रेनफॉल, स्कैंटी रेनफॉल, क्योंकि यहाँ से जो मॉइस्चर लेडन विंड्स होते हैं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाते हैं, वार्म हो जाते हैं, और फिर यहाँ पर इनका डिप्रेशन होने लगता है, फिर ये डिसेंड होने लगता है। तो फॉर इंस्टेंस द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट रजिस्टर अ रेनफॉल ऑफ ओवर 250 सेंटीमीटर। अगेन द हेवी रेनफॉल इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कैन बी एट्रिब्यूटेड टू द हिल रेंज एंड द ईस्टर्न हिमालय। इट इज एविडेंट दैट द रेनफॉल रिसीव्ड फ्रॉम द साउथ वेस्ट मॉनसून इज सीजनल इन कैरेक्टर। ऑब्वियसली जो मॉनसूनल विंड्स होता है वो सीजनल कैरेक्टर होता है, सीजनल कैरेक्टर को होता है, जो जून से सितंबर तक का पीरियड होता है, ठीक, विच अगस्त बिटवीन जून टू सितंबर। 19th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड 19th नंबर क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन इन इंडिया।
तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है किसके, साउथ वेस्ट मानसून सीजन का, और हमें बताना है इसमें से स्टेटमेंट जो है वो कौन सा जो है वो करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट देखते हैं, द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम 12 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर अक्रॉस वेरियस रीजन। ध्यान रखेंगे यहाँ पे बोला जा रहा है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है विंड्स का वो कैसे है। रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑब्वियसली वेरी करता है 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर अक्रॉस वेरियस रीजन। हमने देखा था कि जो अरावली का वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आपको अराउंड 10 to 12 आपको सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिलता है, जबकि 250 सेंटीमीटर रेनफॉल, 400 सेंटीमीटर रेनफॉल आपको वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, मोर देन 75% ऑफ रेनफॉल इज रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस सीजन। बिल्कुल करेक्ट बात है कि 75% से ज़्यादा रेनफॉल जो होते हैं वो रिसीव होते हैं इंडिया में किसकी वजह से, मॉनसूनल विंड्स की वजह से। ठीक है, हमारी इकोनॉमी जो होती है वो हाईली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, मॉनसूनल रेनफॉल के ऊपर। एंड थर्ड इज मॉनसून ब्रेक्स अगर ड्यू टू द साइक्लोनिक डिप्रेशन फॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल। थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि जो मॉनसूनल ब्रेक होता है वो क्यों अकर होता है, साइक्लोनिक जब डिप्रेशन फॉर्म होने लगता है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। आपको पता होना चाहिए कि बे ऑफ बंगाल वाला रीजन जो होता है वहाँ पे हाईली हाई साइक्लोनिक फीचर अकर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन में देखें तो द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल वेरीज करता है 250 सेंटीमीटर अक्रॉस द वेरियस रीजन। विंडवर्ड साइड जो वेस्टर्न घाट का होता है वो 250 सेंटीमीटर रेनफॉल प्राप्त करता है। साउथ वेस्ट मानसून का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभी जो रिसेंट टाइम है आपको देखने को सुनने को मिल रहा होगा, अगर आप पेपर पढ़ रहे होंगे कंटिन्यूसली तो आपको पता है कि कुछ टाइम पहले तक अल नीनो का अफेक्ट था किसके ऊपर, मानसून के ऊपर। और अल नीनो का अफेक्ट जो होता है वो निगेटिव अफेक्ट करता है, क्योंकि अल नीनो की वजह से जो मानसूनल रेनफॉल जो होता है वो कम होता है। ठीक है, रेनफॉल इसकी वजह से जो होता है वो क्या है, अल नीनो एक्चुअली होता है क्या है, अल नीनो होता है पैसिफिक रीजन में, इक्वेटोरियल जो पैसिफिक रीजन है वो जरूरत मतलब वार्म हो जाता है, मेनली जो ईस्टर्न पैसिफिक रीजन है। ठीक है, ईस्टर्न पैसिफिक रीजन जो होते हैं वो वार्म हो जाता है, और जिसकी वजह से ईस्टर्न पैसिफिक रीजन पे रेनफॉल होता है, यानी पेरू वाला जो कोस्ट है, जो आपको साउथ अमेरिका वाला पार्ट देखने को मिलता है वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा देखने होता है, जबकि ला नीना जो होता है, ला नीना वो प्रमोट करता है रेनफॉल को। तो ला नीना पॉजिटिव इफेक्ट देता है किसको, मॉनसूनल विंड्स को। और वैसे ही कुछ फिनोमेना होते हैं हमारे इंडियन ओशन में भी, और इंडियन ओशन के जो फिनोमेना आकर होते हैं उसको हम होते हैं इंडियन ओशन डाइपोल, IOD। IOD का फिनोमेना आकर होता है, और पॉजिटिव IOD जब आकर होता है तो वो हमारे मॉनसूनल विंड्स के लिए सही होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होगी अगर आप रेगुलर पेपर को फॉलो कर रहे हैं, और वैसे मैंने काफ़ी अच्छे से सब बताया हुआ है डिटेल वीडियो में, अगर आपने ज्योग्राफी का डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे और दिया हुआ है कि मॉनसून ब्रेक जो होता है अब वो अकर होता है किसकी वजह से, जब साइक्लोनिक डिप्रेशन जो अकर होता है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल रीजन में, और क्रॉस करता है वो मेनलैंड में। बिसाइड द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ दिस डिप्रेशन द पैसेज फॉलोड बाय देम डिफॉर्म द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड 20 नंबर क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन इन इंडिया। तो रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन। सेकेंड है, दिस पीरियड इज कैरेक्टराइज बाय प्लेजेंट वेदर ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ अक्टूबर हीट। एंड थर्ड इज कोरोमंडल कोस्ट इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द साइक्लोन ड्यूरिंग दिस सीजन। तो रिट्रीटिंग विंड्स आप समझ पा रहे होंगे कि रिट्रीटिंग जब विड्रॉल होने लगता है, विड्रॉल ऑफ सन फ्रॉम द नॉर्थ अपवर्ड मूवमेंट, जब सन जो है वो साउथवर्ड मूवमेंट करने लगता है तब होता है क्या, रिट्रीटिंग विंड्स। ठीक है,
और यहाँ पे क्या होता है, देर इज अ राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन, और रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन होता है तो राइज इन टेम्परेचर हो जाता है, ये आपको ध्यान में देखना होगा। और आपने पढ़ा होगा अक्टूबर हीट के बारे में, अक्टूबर हीट के बारे में, तो इसी की वजह से होता है। सेकेंड है, दिस पीरियड इज कैरेक्टराइज विद प्लेजेंट, ऑब्वियसली प्लेजेंट वेदर नहीं होगा अगर आपको राइज इन टेम्परेचर होगा तो, द सेकेंड स्टेटमेंट तो हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। एंड थर्ड इज कोरोमंडल कोस्ट इज ग्रेटली अफेक्टेड बाई द साइक्लोन्स ड्यूरिंग द सीजन, तो ध्यान रखेंगे रिट्रीटिंग विंड की वजह से कोरोमंडल जो कोस्ट होता है तमिलनाडु का, वहाँ पे आपको रेनफॉल देखने को मिलता है और ये हाईली अफेक्टेड होता है ये मॉनसूनल रिट्रीटिंग मॉनसून से, ठीक है। तो इसीलिए स्टेटमेंट जो हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट ओनली सेकेंड हो जाएगा इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। राइट आंसर हो जाएगा 1 and 3, ठीक है। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। An explanation is retreating monsoon season in India is as the period is not characterized by the pleasant weather. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, rise in temperature आपको देखने को मिलता है। Coromandel coast जो होता है वो highly affected होता है, यहाँ पे आपको depression of cyclone देखने को मिलता है, ठीक है। और जो कहाँ पे आपको जो cyclone का depression है वो कहाँ पे originate होता है, वो originate होता है अंडमान वाले, अंडमान जो sea है वहाँ पे, और ये cause करता है heavy rainfall को। तो पूछा जाएगा अगर आपसे कि कोरोमंडल कोस्ट पर कौन सा जो मॉनसूनल वेंस होता है जिसकी वजह से वहाँ पे आपको रेनफॉल देखने को मिलता है, तो वो साउथ वेस्ट मॉनसून नहीं होते, एक्चुअली वो रिट्रीटिंग मॉनसून होते हैं जिसकी वजह से वहाँ का आपको रेनफॉल देखने को मिलता है। द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन इज मार्क क्लियर स्काइज एंड राइज इन टेम्परेचर ओइंग टू द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। द वेदर बिकम्स रेदर ऑपरेसिव, दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट। नेक्स्ट देखते हैं सीजन इन इंडिया के रिगार्डिंग क्वेश्चन को, एंड पहले है एसोसिएशन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, एंड पहला इज द मीन डेली टेम्परेचर रिमेन्स बिलो 21 degrees Celsius ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया एंड नाइट टेम्परेचर फॉल्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ड्यूरिंग द विंटर सीजन। नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, देर इज अ हाई अमाउंट ऑफ स्नोफॉल इन द हिमालयन रीजन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला टेम्परेचर, पहला अगर बात देखें एसर्शन, तो जो मीन डेली टेम्परेचर है आपको वो रिमेन बिलो होते हैं 21 degrees Celsius के, कहाँ पे, नॉर्दर्न इंडिया में। और नाइट टेम्परेचर जो होता है, मीन डेली टेम्परेचर जो होता है वो 21 degrees Celsius होता है, और क्योंकि यहाँ पे जो नाइट टेम्परेचर होता है वो फॉल कर जाता है बहुत सारे रीजन में बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, मिली आपको देखने को कहाँ मिलेगा, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट आपको मिली लद्दाख वाले जो कोल्ड डेजर्ट है वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स एक्सपीरियंसेस कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, यस नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स में आपको कॉन्टिनेंटलिटी का अफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपको न्यूज़ में भी देखने को मिलता है कि जो दिल्ली वाला रीजन है वो कॉन्टिनेंटलिटी का अफेक्ट वहाँ पे ज़्यादा देखने को, और इसी की वजह से यहाँ पे पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि पोल्यूशन का डिस्पर्शन नहीं हो पाता है, डिस्पर्शन नहीं हो पाता है तो पोल्यूशन जो है वो रीजन में ही रहता है, रीजन में ही लिमिटेड रहता है, जिसकी वजह से सफोकेशन टाइप फील होता है मेनली विंटर सीजन में। विंटर सीजन आपको पता है कैसा सीजन होता है, विंड डिसेंडिंग सिस्टम होता है, विंड डिसेंडिंग सिस्टम होता है, और फिर उस टाइम पे आपको स्टेबल बर्निंग का भी इशू देखने को मिलता है, तो ये सब आपने पढ़ा होगा। सेकेंड है नॉर्दर्न इंडियन स्टेट एक्सपीरियंस करते हैं कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट को, कॉन्टिनेंटलिटी अफेक्ट देम, देयर इज अ हाई अमाउंट ऑफ स्नो रेनफॉल स्नोफॉल इन द हिमालय रीजन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। बिल्कुल सही बात है कि आपको स्नोफॉल देखने को मिलता है हिमालयन रीजन में, कब, मंथ ऑफ द जनवरी, और इसकी वजह से टेम्परेचर जो होता है वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पहुंच जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देता है रीजन को। एक बार पढ़ लेते हैं और ये आज का हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा। तो द मीन डेली टेम्परेचर रिमेन्स बिलो 21 degrees Celsius ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, और नाइट टेम्परेचर जो होता है वो क्वाइट लो होता है, समटाइम्स गोइंग बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, और ये मिली आपको पंजाब राजस्थान कश्मीर लद्दाख कश्मीर ये सब वाले रीजन में देखने को मिलेगा, और कॉन्टिनेंटलिटी का अफेक्ट आपको पंजाब हरियाणा राजस्थान में दिल्ली में बहुत अच्छे से आपने सुना होगा या पढ़ा होगा या रहते होंगे तो फील किया होगा। ऑल्सो देर इज अ हाई अमाउंट ऑफ स्नोफॉल इन द हिमालयन रीजन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द
जनवरी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम 22 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।